हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ईशान और डिलाइट मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग इसी दुनिया के होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं और वो उनके पास भी हमारे और तुम्हारे जैसा ही शरीर होता है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं वो कि वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों का सबसे पहला रूल, सबसे पहला नियम ये होता है कि उनके गोल क्लियर होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें जाना कहाँ है, उनकी मंजिल कौन सी है, वो क्लियर होती है। उनके दो प्रकार के वो गोल बनाते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, यानी कि कल क्या करना है, एक हफ्ते में क्या करना है, एक महीने के अंदर क्या करना है, और बड़े गोल भी बनाते हैं कि एक साल के बाद क्या करना है, एक साल के अंदर क्या करना है, दो साल के अंदर क्या करना है, पांच साल के अंदर क्या करना है, यानी कि उनके छोटे और बड़े दोनों गोल उन्हें पता होते हैं कि किस टाइम किस गोल पर वर्क करना होता है। जबकि अनसक्सेसफुल लोगों को तो यह पता ही नहीं होता है कि उनका गोल कौन सा है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, एक हफ्ते की बात तो छोड़ो, एक महीने के बाद भी क्या करना है उन्हें पता ही नहीं होता। यानी कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहला क्या होगा कि जो आपका पैशन है, जो आपका फोकस है, जो आपका गोल है, वो क्लियर होना चाहिए और उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल, और उसके ऊपर मेहनत करो, डेफिनेटली आपके दोनों गोल अचीव जरूर होंगे। दूसरा उनका पॉइंट होता है, दूसरा उनका रूल होता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। सक्सेसफुल लोगों को कभी भी मेहनत करने में वो पीछे नहीं हटते हैं, वो हमेशा दिन के 18-20 घंटे काम करते हैं। उनका भी बदन दर्द होता है, उन्हें भी पेन होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, लेकिन वो डटे रहते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे, फिर जब भी पेन होगा, ओ इसमें तो बहुत पेन हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, कुछ और ढूंढते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने गोल के लिए किसी भी कीमत पर वो डटे रहते हैं और हार्डवर्क करते हैं। और एक बात याद रखना, जब जितनी बड़ी कीमत चुकाओगे उतने ही बड़े सपने पूरे होंगे। अगर तुम कीमत ही नहीं देना सकते तो सपने भी पूरे करने की ख्वाहिश मत रखो, यानी कि हार्डवर्क बहुत जरूरी है अपने फोकस और अपने सपनों के लिए। तीसरी चीज होती है उनमें कि वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है कि कभी भी अगर कोई बड़ा काम हो या छोटा काम हो, वो तुरंत उसे करेंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करते, कभी भी किस्मत का दोष नहीं देते, कभी भी किसी को ऐसा नहीं करते कि इसकी वजह से या उसकी वजह से ये फेलर होता है। वो कहेंगे कि हाँ फेलर हुआ तो भी मेरी वजह से हुआ, और उस पर वर्क करेंगे कि क्या कारण था फेलियर का, और उसे रेक्टिफाई करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। जबकि अनसक्सेसफुल लोग क्या कहेंगे, किस्मत खराब थी, उसका दोस्त था, ये सब बहाने बनाएंगे और कभी भी अपने अंदर की जो फेलियर है उसे नहीं पहचानते हैं। और चौथी बात है, सक्सेसफुल लोगों की डिसिप्लिन बहुत होता है उनमें। वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, उन्हें पता होता है कि एक हफ्ते में क्या करना है, एक महीने के अंदर क्या करना है, एक साल के अंदर क्या करना है और पांच साल के अंदर क्या करना है। उनके जो रूटीन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि किस टाइम किस जगह पे मुझे हाजिर रहना है। जबकि अनसक्सेसफुल लोगों का तो पता ही नहीं होता है कब उठे, कब सोए, कब जागे, कब खाए, कब पिए, यानी कि जब अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक रूटीन
उसमें उन्होंने 5,000 बार या 50 बार भी अगर छोड़ दिया होता कि नहीं हो रहा है तो आज हम रोशनी के आसपास नहीं बैठे होते, हमारे घर में रोशनी नहीं होती। तो पेशेंस रखना पड़ता है और निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आदतें होती है सक्सेसफुल लोगों की कि उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।